कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम राज है, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और हम किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं, जैसे आप बैंक में FD RD कराते हो लमसम अमाउंट, एक जैसे 50,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी आप कर सकते हो लमसम, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। दूसरा तरीका है कि आप जैसे आप पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट में RD अकाउंट खोलते हो, हर महीने जमा कराते हो, वैसे ही एक मंथली स्लिप लग जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड क्या है। बेसिकली इसके लिए एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में होती है। अगर आपको डायरेक्ट नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड जिस सब म्यूचुअल फंड में लगाओगे, वो फंड हाउस अलग अलग शेयरों में आपका पैसा वो डिवाइड करके लगाएगा। जैसे कि एक नॉर्मल फंड है HDFC लार्ज है मिड कैप। बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में तीन कैटेगरी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वो कंपनी आती है जिनकी कैपिटल बड़ी होती है, मिड कैप में मिड कैप, स्मॉल कैप में स्मॉल कैपिटल। लार्ज कैप में रिटर्न 12 से लेकर 15% आती है, मिड कैप में वो उससे ज़्यादा आती है और उतना हाई रिस्क है, और स्मॉल कैप उससे ज़्यादा हाई रिस्क है और इससे ज़्यादा रिटर्न निकालता है। जैसे कि नॉर्मल फंड है HDFC लार्ज है मिड कैप, इन्होंने ये इनकी टॉप 10 होल्डिंग है, आपका पैसा इन टॉप 10 शेयरों में लगा हुआ है डिवाइड करके, और इस फंड की रिटर्न इन्होंने निकाल के दी है। अगर आपने आज से 5 साल पहले 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करा होता म्यूचुअल फंड में, और आज उसकी वैल्यू होनी थी 25,861 रुपये, और इसकी एनुअलाइज रिटर्न है 20.90%, हर साल 20.90% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। वही अगर आपने 10 साल पहले 10,000 इन्वेस्टमेंट करा होता, तो उसकी एनुअलाइज रिटर्न 15.3% आ रही है, आपका पैसा 4 गुना हो गया 10 सालों में। वही अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करा होता, तो पैसा आपका डबल से ऊपर हो गया। ये है लमसम की रिटर्न। अगर आप मंथ ये सिप की रिटर्न, अगर आपने मंथली सिप लगाई होती 1,000 रुपीज़ की हर महीने, अगर आपने आज से 5 साल पहले 1,000 की सिप लगाई होती, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 60,000 रुपया, और करंट वैल्यू है 1,16,920 रुपये। एनुअलाइज रिटर्न 27.2 है। सिप में ये है कि आपका हर महीने पैसा लगता है म्यूचुअल फंड में, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। इससे आपकी एक एवरेज अच्छी बन जाती है NAV, हर आपको हर महीने जो मार्केट का रेट होगा उस हिसाब से आपको NAV के अकॉर्डिंग आपको यूनिट अलॉट हो जाते हैं। इससे आपकी एवरेज ठीक हो जाती है और हर महीने आपका पैसा मार्केट में लगता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर आप लमसम लगाना चाहते हो लमसम लगा सकते हैं, अगर मंथली आप सैलरी वर्सन है तो आप SIP करें। SIP में रिटर्न ठीक है और हर महीने आप पैसा निकाल 1,000 मिनिमम 1,000 रुपीज़, 500 भी कर सकते हैं, कई फंड हाउस 500 भी लेते हैं, कई फंड हाउस 1,000 से शुरू करते हैं, तो आप 1,000 से शुरू कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अच्छा पैसा ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह ये कैटेगरी, ये HDFC का लार्ज लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ऐसा ही फंड एक HDFC का स्मॉल कैप। आप किसी भी फंड हाउस में कर सकते हैं, ये मैं आपको स्मॉल कैप HDFC का दिखा रहा हूँ। इसकी रिटर्न भी इन्होंने ज़बरदस्त निकाल के दी है, इसकी रिटर्न अगर लमसम 5 सालों में 23.86%, वहाँ पर देखा था 3 सालों में उन्होंने पैसे डबल करे थे, इन्होंने ढाई गुना कर दी पैसे। 10 सालों में वहाँ पे चार चार गुना होते, यहाँ पे हुए 8 गुना होगी। तो मतलब वही स्मॉल कैप है, हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड है। और वही अगर SIP आपने 5 साल पहले करी होती, 60,000 का 1,36,000 कर दिया, अगर आपने 10 साल पहले करी होती, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,20,000 था, करंट वैल्यू 4 लाख है। तो एनुअलाइज रिटर्न उन्होंने निकाल के दी है, 10 सालों से लगातार 23.4% दे रहे रिटर्न, 2 सालों से 40.63% दे रहे हैं, 3 सालों से 34.9% दे रहे हैं। अगर आप गूगल में करोगे SIP कैलकुलेटर, तो एक अच्छी अमाउंट और लॉन्ग टर्म में आप गेन कर सकते हो। SIP कैलकुलेटर यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग सेविंग के अकॉर्डिंग आप कितनी अमाउंट पर मंथ जमा करना चाहते हो आप डाल के वहाँ पे टाइप करके आपने साल सेलेक्ट करने, कितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करना और कितने परसेंट रिटर्न निकालनी है अपनी। एक सेकंड, ये लिंक सर
वर्क नहीं कर रहा, एक ये लिंक है। अगर आपने हर महीने 2000 इन्वेस्टमेंट करते हो, रिटर्न उसकी 15%, क्योंकि हर किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर रिटर्न देखोगे 15 से ऊपर आई है, आप फिर भी कम से कम 15 मानते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल, अगर आप 10 को 20 कर दो, 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिप का 4,80,000 और टोटल वैल्यू 30,31,000। जितना टाइम आप उसको बढ़ाओगे उतनी रिटर्न अच्छी आएगी। अगर हमें 30 साल हर महीने 2000 की SIP करते हो, 15% रिटर्न आए, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 7,20,000 और वैल्यू बन जाएगी 1,40,00,000। ये एक मैजिक ऑफ मैजिक पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।